और पुस्तकों के जरिए हमें न केवल आसपास की दुनिया के बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि ये हमें एक नई और अद्भुत दुनिया की सैर भी कराते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग की ओर से दिल्ली के सूचना भवन में पुस्तकों की एक ऐसी ही प्रदर्शनी लगी है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं की किताबें भी हैं। हमारी संवाददाता रेशमा फारूकी के साथ चलते हैं किताबों की इस दुनिया में। पुस्तकें हमें केवल आसपास की दुनिया के बारे में ही जानकारी नहीं देती, बल्कि इनके द्वारा हमें एक नई और अद्भुत दुनिया की सैर का भी मौका मिलता है। किताबें हमारे जीवन को नए आयाम देती हैं और हमारे चरित्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने नई दिल्ली के सूचना भवन में विभिन्न पुस्तकों की प्रदर्शनी का आयोजन किया, जहां हर आयु के लोगों के साथ साथ बच्चों के लिए भी पुस्तकें मौजूद थीं। यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर सब नॉलेज वाले चीज़ थे और इधर वुमेंस की मतलब बहुत सारे वुमेंस के बात थी, फिर नॉलेज वाले थे, आर्मीज थे, फिर विवेकानंद का बुक था, फिर मैजिक वाले बुक थे, बहुत सारे पोयम के बुक थे। प्रकाशन विभाग राष्ट्रीय महत्व के विषयों और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को रेखांकित करने वाली पुस्तकों और पत्रिकाओं का खजाना है। पत्रिका योजना 13 भाषाओं में प्रकाशित होने के साथ साथ समाज के आर्थिक विकास में अहम रोल अदा कर रही है। वहीं अंग्रेजी हिंदी में प्रकाशित पत्रिका कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास और पत्रिका बाल भारती बाल साहित्य का उत्कृष्ट नमूना है। इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मोदी के चुने हुए भाषणों का संकलन सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। प्रकाशन विभाग की महानिदेशक अनुपमा भटनागर का कहना है कि उनका लक्ष्य पुस्तकों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। पब्लिकेशन डिवीजन जो कि 1941 में एस्टेब्लिश हुआ था और अभी ये देश का प्रीमियर पब्लिशिंग हाउस है, और हमारी ये कोशिश रहती है कि क्वालिटी बुक्स अफोर्डेबल प्राइस में निकले। इसके साथ ही हम जो है 18 जो है वो मंथली जर्नल्स भी निकालते हैं, जिसमें आजकल जो है हमारी एक लिटरेरी मैगजीन है हिंदी और उर्दू में, जो कि 1942 से फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी। इसके अलावा हमारे बाल भारती है जो कि 1948 से मंथली मैगजीन निकल रही है और लगातार निकल रही है। योजना, कुरुक्षेत्र, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ भी हमारे बहुत ही प्राइज्ड पब्लिकेशन है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट पर भी हम जो है बुक्स, उनकी स्पीचेस की बुक्स भी हम पब्लिश करते रहे हैं। प्रकाशन विभाग जहां पुस्तकों के द्वारा लोगों को जीवन के कई रंगों से रूबरू कराता है, वहीं युवाओं में रोजगार समाचार के द्वारा उन्हें रोजगार से जुड़ने का मौका भी देता है। 1941 से पब्लिकेशन डिवीजन भारत सरकार और देश के लिए काम कर रहा है और यहाँ की मैगजीन्स और बुक्स बहुत पुरानी हैं, जिन्हें दस्तावेज कहा जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, इट इज़ बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम 1976 इन 3 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। दिस इज़ फॉर करियर सीकर्स एंड इट इज़ बेनिफिटिंग स्टूडेंट्स। आज के समय में जहां मात्र एक क्लिक से पूरी दुनिया की जानकारी हमें मिल जाती है, वहीं किताबों की अपनी अलग अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, और इस प्रकार की प्रदर्शनी हमें किताबों के समीप तो लाती ही है, साथ ही भाषा का ज्ञान भी देती है। इसके अतिरिक्त ये हमें कई बड़ी बड़ी हस्तियों के जीवन से भी रूबरू कराती है। किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती है। किताबें हमें जिंदगी के करीब करती है। कहते हैं जब भी आप एकांत में बैठकर किताबें पढ़ेंगे तो नए नए विचार भी आते हैं। तो जब भी आप अकेले हों, जब भी आप तन्हा हों, तो किताबों के नज़दीक हो जाइए और ज़िंदगी को पा लीजिए। मैं रेशमा फारूकी, कैमरामैन प्रमोद नेकी के साथ। और अब कुछ खबरें आपके शहर आपके गांव की। विशाखापट्टनम के एक समुद्र तट को सुरक्षित बनाने के लिए नगर निगम की ओर से बड़ी